मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाड़िया संस्थान में फेडरेशन ऑफ इंडिया जियो साइंस एसोसिएशन के 3 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन किया। इस 3 दिवसीय सेमिनार में देश भर से 250 वैज्ञानिक प्रतिभाग करेंगे। इस 3 दिवसीय सेमिनार में वैज्ञानिक हिमालय में आ रही प्राकृतिक बदलावों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ लोगों द्वारा व्यक्तिगत फायदे के लिए जिस तरीके से पर्वतों का दोहन किया जा रहा है, उससे भविष्य में होने वाले प्रभावों पर भी बातचीत की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने वैज्ञानिकों से अनुरोध किया कि वो हिमालय में हो रहे उथल पुथल के साथ भूकंप भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं पर गंभीरता से चिंतन करें, ताकि इससे होने वाली विभीषिका से बचा जा सके। जैसे विषय पर यहाँ पर सारे वैज्ञानिक हमारे देश भर के एकत्र हुए हैं और लगातार यहाँ पर चिंतन और मंथन करेंगे, तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि जहाँ वो अनेक विषयों पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात करेंगे, इकोलॉजी पर बात करेंगे, पर्यावरण पर बात करेंगे, वहीं जो हमारे यहाँ की प्रमुख समस्या, जो प्रत्येक वर्ष आने वाली समस्या है, आपदा पर, भूस्खलन पर, और साथ ही साथ जो भूकंप भी जो है हमारे लिए चुनौती है, उन सब पर भी चर्चा करें। उस पर बचाव के क्या रास्ते हो सकते हैं, पहले हमको कैसे जानकारी मिले जिससे कि नुकसान को कम किया जाए, लोगों के जीवन को बचाया जा सके और ज्यादा मात्रा में होने वाली हानि को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री धामी ने वैज्ञानिकों से अनुरोध किया कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जिस पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ वैज्ञानिक अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी के विकास पर भी बल दें। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।